वेलकम टू कोलेश्वर जीनियस CBSE स्कूल अंबेजोगाई। हेलो स्टूडेंट्स, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम हिंदी की पहली कविता प्रकृति की संदेश, ये कविता हम आज सीखने वाले हैं। सोहन लाल द्विवेदी इस कविता के जो कवि है, इन्होंने प्रकृति का संदेश ये कविता लिखी है। मैं ये कविता आपको पहले पढ़कर सुनाती हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ये कविता मैंने आपको पढ़कर सुनाई। अब इस कवि ने हमें प्रकृति का संदेश, इस कविता से हमें कौन सा संदेश दिया है, ये आज हम सीखने वाले हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो कवि हमें ये संदेश देता है कि पर्वत की तरह हमें बहुत बड़ा बनना है। बड़ा बनना है यानी अच्छा काम करके हमें पर्वत की तरह बड़ा बनना है और हमारा नाम ऊंचा करना है। जब हम अच्छा काम करेंगे, बड़ा बनने के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ेगा और अच्छे काम के साथ हमें अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा। तो हमें अच्छा काम करके हमें पर्वत की तरह महान बनना है। ये हमें पर्वत से सीख मिलती है कि हमें अच्छी तरह काम करके ऊंचा बनना है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। हमारे मन में जो विचारों की गहराई होनी चाहिए वो गहराई अच्छी होनी चाहिए। हमारे मन में ज्यादा से ज्यादा गहराई होनी चाहिए, जैसे कि सागर में रहती है, सागर की तरह हमारे मन में गहराई होनी चाहिए। ये कवि को आप इस कवि से बता रहे हैं। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तरल तरंग मीठी मृदुल उमंग, इसका ये है कि सागर की तरह हमारे जो तरंग रहती है, तरंग में हमारी उमंग, हमें उत्तेजित होना चाहिए और उत्तेजित होके हमें कौन सा भी काम करना चाहिए। अगर हम उत्तेजित होके काम करेंगे तो जीवन में हमें क्या मिलती है, एक तरह की प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा मिलने के लिए हमें मीठी मीठी मृदुल उमंग, गिर गिर तरल तरंग, ये जो कवि ने कहा है, कवि ने इसे हमें ये पता चलता है। हम उमंग से उल्लास से हमारे जीवन में प्रेरणा ला सकते हैं। आगे देखो क्या कहा है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी का क्या कहना है कि धैर्य न छोड़ो, हमें हिम्मत से काम लेना है। हमारे जीवन में अगर हमें कोई मुसीबत आ जाए, अगर कोई समस्या आ जाए, तो हमें धैर्य न छोड़ के हमारे धैर्य से काम लेने का संदेश ये हमें पृथ्वी देती है। कितना ही वो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। हमारे कठिन परिस्थिति में धैर्य न छोड़ने का संदेश हमें पृथ्वी देती है। और जो नभ की तरह हमें फैलना है, हमारी कीर्ति महान होनी चाहिए। अगर हमने हमारा काम चारों ओर फैलने की तरह अच्छा काम किया तो हम हमारे कीर्ति से चारों ओर फैल सकते हैं। गलत काम नहीं करना और अच्छा काम करके हमें नभ की तरह सारे संसार को फैलना चाहिए और सारे संसार को ढक लेना चाहिए। इसी तरह प्रकृति का संदेश ये जो कविता है मैंने आपको पढ़ाई है और इसका जो अर्थ है वो यहाँ
इस वीडियो में समझा है। आपको इस जो वीडियो में कठिन शब्द आए हैं वो आज मैं बताती हूँ। पर्वत यानी पहाड़, ऊंचे ऊंचे का यहाँ कवि को बताना है, ऊंचे यानी आपको महान बनना है, गहराई यानी गंभीरता, आपको गंभीरता से लेना है, तरंग यानी लहर, लहर जो सागर की लहर, अभी मैंने जो बताया कि उमंग उत्तेजित होकर आपको काम करना है, उसी तरह तरंग से हमें ये उमंग की प्रेरणा मिलती है। मृदुल यानी कोमल, धैर्य यानी धीरज, धैर्य यानी धीरज से हमें ये काम करना है। इसी तरह आपके जो हिंदी की टू लाइन की नोटबुक है, टू लाइन की नोटबुक पे आपको ये कविता होमवर्क की तरह, होमवर्क समझ के अपनी नोटबुक पर लिखने वाली है, लिखनी है। और इसके जो प्रश्न उत्तर है कि पर्वत से हमें कौन सी सीख मिलती है, सागर से हमें कौन सी सीख मिलती है, वो भी आपको होमवर्क नोटबुक पे लिखना है।